जवा ब्लॉक के अंतर्गत बरेती खुर्द में मिला जीवित नवजात शिशु। बरेती खुर्द में एक बहुत बड़ा हादसा। जी हां, आपको बता दें कि जवा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला बरेती खुर्द में मिला नवजात शिशु नदी के किनारे। ऐसा नवजात शिशु जो कि जन्म लेने के बाद उसको नहीं पता कौन उसके माँ बाप है, किस जाति में जन्म लिया है। माँ को ममता कहा जाता, प्रेम का सागर कहा जाता, जिसके प्रेम के लिए कोई मूल नहीं चुकाया जाता। क्या ऐसा प्रेम दिखाएगी आज की माँ कि बेटे को नदी के किनारे जानवरों के शिकार के लिए छोड़ देगी। ऐसा महाभारत में देखने को मिला था कि कुंती अपने बड़े बेटे कर्ण को नदी के किनारे छोड़कर चली आई थी। ऐसा ही देखने को मिला बरेती खुर्द में आज। फिर वही माँ कुंती कर्ण को नदी के किनारे छोड़कर चली गई, बिना मोह ममता किए बगैर। ये द्वापर नहीं है, ये कलयुग है। सभी माताओं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि पुनः इतिहास ना दोहराएं। महाभारत का कर्ण अपनी माँ को माफ कर दिया, लेकिन ये कलयुग के कर्ण माँ से विनती करते हैं कि उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करें, अपनी खुशी के लिए और कर्ण ना पैदा करें, क्योंकि महाभारत के कर्ण की तरह अब ठोकर खाने की हिम्मत नहीं है। कलयुग के कर्ण में एक ये माँ है जो कि अपने ही संतान को नदी के किनारे छोड़ देती है। एक नदी माँ है जो बरेती खुर्द में मिले नवजात शिशु को एक रात अपनी गोद में अबोध बालक को पाल लिया, जो कि अब वो बड़ा होकर पूरी दुनिया देखेगा। बरेती खुर्द के नदी के किनारे मिलने वाला कर्ण सभी माताओं बहनों व पिता भाई से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अपनी खुशी की खातिर ऐसी गलती ना करे कि गुनाह बन जाए और इस जैसे कर्ण दर बदर की ठोकरें खाते रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए प्रमोद मोदी की खास रिपोर्ट।